फिशर का प्रॉब्लम है। तो फिशर का प्रॉब्लम? हाँ, फिशर का प्रॉब्लम है। 2 साल से मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या, और मेरा मैंने रोज रोज ये डिफिकेशन नहीं हो रहा, मैंने रोज रोज पॉटी नहीं होता है, एक एक दिन छोड़ के होता है, बहुत कॉन्स्टिपेशन है। चलिए, जी जी मैं समझ गया। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देश में, पास फिसर फिस्टूला। फिस्टूला जब हो जाए तो पतंजलि में आकर के आप लोग शल्य चिकित्सा करवा सकते हैं, क्षार सूत्र उसको बोलते हैं, और एम से लेकर के पीजीआई से लेकर के अपोलो से लेकर के गंगाराम से लेकर के दुनिया के देश के बड़े हॉस्पिटल्स के बिगड़े हुए केस हम लोग ठीक करते हैं, और हजारों पेशेंट्स का पूरा डेटा, उनके दस्तावेज हमारे पास हैं, कोई भी देख सकता है। जो भी ऑपरेशन हम करते हैं उसको हम संभाल के रखते हैं, जिससे कि लोगों को हम अपने शल्य चिकित्सा के जो प्रथम गुरु तो महर्षि सुश्रुति थे, और महर्षि चरक सुश्रुत और धन्वंतरी की परंपरा को ही पूज्य आचार्य भागसेन जी और हम लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, बवासीर के लिए पहले तो कब्ज दूर करने के लिए रात को त्रिफला चूर्ण, खाना धीरे धीरे खाना, खाने में पहले सलाद या फल खाना, अंकुरित ज़्यादा लेना, चबा चबा करके खाना, दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना। लोग पानी पीने में बहुत कंजूसी करते हैं और सर्दी में तो और ज़्यादा पानी कम कर देते हैं। अगली बात, रात को त्रिफला चूर्ण या सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस लेना, अर्शकल्पवटी 2-2 गोली सुबह सुबह, अर्शकल्पवटी और कायाकल्पवटी दोनों ले लेना, तो फिस्टूला पूरी तरह से, ये पाइल्स भी फिशर भी फिस्टूला भी, इन सबके लिए उपयोगी है। कायाकल्पवटी और अर्शकल्पवटी ये 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले लेना। अभयारिष्ट एक पीने की लिक्विड है, ये अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से आपको मिल जाएगी। अभयारिष्ट ये भी 4-4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी खाने के बाद ले लेना, और यहाँ से पॉइंट है अंगूठे के नीचे या कलाई की तरफ, यहाँ 2-2 मिनट यहाँ से दबा लेना। और जो मैं घरेलू उपाय बताता हूँ कि गाय के ठंडे दूध में, 1 कप दूध में सुबह सुबह नींबू निचोड़ के पी लेना, और ज़्यादा ही एसिडिटी रहती है, कब्ज ज़्यादा रहता है, तो लौकी का जूस भी पी लेना। 100% ये फिशर आपका ठीक हो जाएगा।